समय मैं मौजूद हूँ इसापुर वार्ड के यहाँ रामा पब्लिक स्कूल वाली कॉलोनी में। यहाँ पर जो पंचायती उम्मीदवार हैं सीमा गोपाल डागर, वो यहाँ पर मतदान की अपील करने के लिए पहुँचे हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे तमाम कॉलोनी वासी यहाँ पर एकत्रित हो गए। ख़ास तौर से युवा आपको नज़र आएंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और समर्थन करते नज़र आए हैं गोपाल डागर का, सीमा का। क्या कहना चाहेंगे, युवा प्रत्याशी है आपके बीच में पहुँचे हैं वोट की अपील लेकर? हम तो भाई साहब की गैल है जी, तो भाई की गैल हाँ, हम सारे भाई इनकी पूरी मदद कराएंगे, जितनी मरता होगी उतनी पूरी मदद हम कराएं भाई की, गोपाल डागर की हम पूरी मदद कराएंगे जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, गोपाल जी समर्थन के लिए पहुँचे हैं? हमारा जी पूरा समर्थन है अच्छी तरीके से, सारे युवाओं तक यही अनुरोध है, इनके बारे में सुना है बहुत अच्छा काम करते हैं, और डिपार्टमेंट तो भी जुड़े हुए हैं, इन्हें पता है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं है, बाकी हम तो अपनी भाई की गैल है। चुनाव चिन्ह क्या है? पैन का निशान। चलिए, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम गोपाल डागर जी के साथ हैं तन मन धन से, बहुत अच्छा काम करेंगे, ये MCD से पहले ही जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। भाई साहब क्या राय आपकी? हाँ, गोपाल के साथ हम आइए। हाँ, तन मंदन से पैन का निहान है जी, इतिहास लिखने का काम करेगा जी। क्या राय है आपकी, युवा साथी? जी बिल्कुल जिताएंगे, पैन का निशान है, बटन दबा के आएंगे, गोपाल डागर भाई हमारे पूरी बहुमत से जिताएंगे जी। वोट है आपकी? हाँ बिल्कुल वोट है मेरी, दिल्ली की, गोपाल डागर भाई है, पूरी बहुमत से अब की बार जीतेंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। तो गोपाल डागर यहाँ समर्थन मांगने पहुँचे आपके पास? हाँ जी, उन्हीं के साथ हैं हम तो। हाँ, हम भी उनके साथ में हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्य जी। अच्छा लक्ष्य, इस बार ईसापुर वार्ड में क्या होने जा रहा है? गोपाल डागर खड़े होंगे जी, आज जिताएंगे भी हम, बहुमत से जिताएंगे उनको। चुनाव चिन्ह क्या है? पेन। पेन को ही देना है वोट। क्या कारण है जी? पता है हमें इंसान का बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है भाई साहब? सोनू जी। अच्छा सोनू, क्या कहना चाहेंगे, चुनाव है ईसापुर में? भाई साहब गोपाल डागर के साथ हैं, पैन का निशान अपने भाई का जतावांगे, पूरी मदद कराएं अपने भाई की हर हालत है। पैन कुछ नया लिखेगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, इतिहास बिल्कुल बड़ा। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, गोपाल डागर जी समर्थन मांगने पहुंचे हैं? पूरा साथ देंगे सर। दीपक नाम है जी। अच्छा दीपक जी, क्या कहोगे, ईसापुर वार्ड में क्या होने जा रहा है? बदलाव होने जा रहा है जी आपकी बारी। हाँ, अच्छे से बदलाव करके आएंगे, भाई को पूरे बहुमत से जिताएंगे। किसको? गोपाल जी भाई को। पैन का निशान है सर इसको। अच्छा, क्यों? अपने भाई को पूरा वोट से जिताएंगे। हाँ। अब की बारी कोई कमी नहीं आएगा, पूरे बहुमत से जिता के लेके आएंगे, क्यों बहुत बदलाव देखना है, बहुत कुछ करना है हमारे को। क्या चल रहा है ईसापुर में? सर तरक्की होने वाली है, जो बता रहे हैं लोगों को कि अगर वो हुआ तो वाकई में तरक्की होगा, कुछ अच्छा काम हो रहा है। गोपाल डागर समर्थन मांगने पहुंचे हैं? हाँ जी सर बिल्कुल, हमारे तरफ से पूर्ण बहुमत विजय होंगे सर। पैन है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा काम होगा तो अच्छा नाम भी होगा गाँव का। ठीक है सर, यही है पूर्ण बहुमत हमारे सबसे। सागर भाई साहब, क्या चल रहा है ईसापुर में? चुनाव चल रहे हैं जी। किसकी लहर है? गोपाल डागर जी की। क्यों? भाई साहब बहुत अच्छे हैं, काम करवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया है जी। तो गोपाल डागर पहुंचे समर्थन मांगने? हाँ, गोपाल डागर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, धार्मिक विचारों के आदमी हैं, पहले से भी समाज से भी रहे हैं, अब भी समाज की अच्छी सेवा करते हैं, और साल में एक बार अपने वहाँ फंक्शन करते हैं, सभी को इन्वाइट करते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं गोपाल डागर जी, हम इनका पूरा पूरा समर्थन करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह पैन है सर इनका। अच्छा जी जी, इस बार पैन कुछ नया लिखेगा? हाँ बिल्कुल लिखेगा जी, गोपाल डागर का नाम लिखेंगे हम जी। हाँ जी सब बिल्कुल एकदम, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं, मिलनसार आदमी हैं जी। के शुभ नाम है? सुरेश कुमार। कहाँ रहते हो? गोपाल नगर। अच्छा, तो इस बार क्या होने जा रहा है? डागर, गोपाल डागर का नाम जी। अच्छा हाँ जी। चुनाव चिन्ह क्या है? पैन का। राम राम जी। राम राम जी। हम गोपाल के साथ है जी, तन मन धन से। पैन का निशान है, ठीक है जी, किसी बात का मतलब कोई चिंता नहीं, भाई नारे नहीं जाएंगे इससे, कोई आओ कोई जाओ, आदर भाव साहब का करेंगे, और वोट देने हमने भाई साहब की है। जन प्रचार अभियान के दौरान पंचायती उम्मीदवार सीमा गोपाल डागर लगातार जनसंपर्क में, आप देख पा रहे हैं एक भारी भीड़ और काफिले के साथ आज जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया है यहाँ रामा पब्लिक स्कूल कॉलोनी में। हमारे साथ गोपाल डागर जी हैं। गोपाल भाई क्या कह रहे हैं, प्रचार में क्या मिल रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्स है?
संजय जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के कॉलोनी वासियों का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा समर्थन मुझे दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि पैन अब की बार इतिहास बनाएगा। दादा बूढ़े की कृपा से अब की बार पैन इतना बड़ा इतिहास लिखेगा कि पूरा समाज, जनता और लोग ही किसी आदमी को जिता सकते, कोई टिकट किसी को नहीं जिता सकती। तो मैं इन सब लाडले भाइयों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का महत्व है और जनता इस बार सीमा गोपाल डागर के साथ नजर आ रही है। धर्मपाल जी हैं, क्या कहेंगे धर्मपाल जी, बड़ा अच्छा सम्मान और स्वागत यहाँ पर हुआ है। नमस्कार जी संजय, आपको समाचार अधिकारी को नमस्कार। जो गोपाल डागर का समर्थन है, हम कॉलोनियों में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, गांव में 90% गोपाल डागर सारे गांवों के अंदर, और कॉलोनियों में भरपूर समर्थन मिल रहा है। कम से कम गोपाल डागर 10,000 वोटों से विजयी होगा जी। आज आप कॉलोनी में भी घूमे हो, गांव में लगातार पंचायतों का समर्थन सीमा गोपाल डागर को मिल रहा है, आज कॉलोनियों की क्या हालत है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है संजय जी, दिल खुश है इतना अच्छा माहौल देख के। हमारे गांव में तो अच्छा है ही, सभी गांव में एक तरफा माहौल चल रहा है और गांव से ही रहते कॉलोनियों में भी, तो उसी को लेकर गांव से बहुत अच्छा साथ मिल रहा है कॉलोनियों में भी, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। पैन अब की बार इतिहास लिखेगा, बहुत ही अच्छा लिखेगा, जो पिछली बार गलतियां हुई हैं इलाके से वो अब की बार नहीं होंगी। चलिए, पैन का चुनाव चिन्ह है और पैन इतिहास लिखने जा रहा है, प्रधान जी क्या कहेंगे? शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी, और जो इन कॉलोनियों ने 2-3 पॉइंट रखे हैं, जिस तरह एक भाई ने कहा था कि जी मेरी बनने के बाद ये गांव बनवा देना, तो मैं भाई से आज्ञा चाहूँगा, बनने के बाद सबसे पहले इनका रोड बनना चाहिए, चाहे किसी का बने चाहे ना बने, ये ज़रूरी है, क्योंकि इन कॉलोनियों ने अभी डिमांड रखी है, तो ये होना चाहिए। और बाकी भाई का तो सब जगह बढ़िया माहौल है और मालिक से बोला करेगा। तो इस बार पैन कुछ बदलाव करेगा? बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, ठोक के करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 100% करेगा। हाँ।